ये देखिए आप हमारे ड्राइवर साहब हैं मिस्टर बद्रीस कुमार शुक्ला जस्ट से हाय गाइस हेलो गाइस हाय आप ये रोड देख सकते हैं हम लोग सुहेलवा जंगल में जा रहे हैं जहां अभी अभी हमें खबर मिली है कि दो टाइगर हैं जो कि अभी बाहर निकले हैं तो हम उनको देख सकते हैं यहां पर लेकिन हमारे जो गाइड हैं वो वहां सफेद कपड़े में जा रहे हैं उन्होंने कहा थोड़ा खतरनाक है बट फिर भी हम एक बार ट्राई करेंगे हमारे पास वो सावधानियां और वो सारी चीज़ें हैं जिससे अगर वो हम पे हमला करेगा तो हम बच सकते हैं तो दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हमसे देख पाते हैं नहीं आप देख सकते हैं ये जो व्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है वो आपको लगता लगेगा ही नहीं कि आप बलरामपुर में हैं ये इसके उस पार हम लोग जाएंगे अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे ये बघेलखंड डैम है जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है जो भी बारिश का पानी है पहाड़ी पानी है जैसे निकल जाते हैं और इस डैम में वो सारे पानी स्टोर होते हैं फिर यहाँ की सिंचाई के लिए उसको इस्तेमाल करा जाता है बघेलखंड और ये आप व्यू देख सकते हैं स्विट्जरलैंड जैसा व्यू है यहाँ पर सो यू कैन एंजॉय यू कैन कम वंस स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज भी आ जाए हुए हैं तो उनको भी मैं दिखाना चाहूँगा सर आप कहाँ हॉलीवुड से हैं कहाँ से टॉलीवुड में कौन सी घटिया मूवी बनाई आप और एक हमारे साथ एक भोजपुरिया राजा भी आए हुए हैं आज बिहार के संगीतकार अजय कुमार पांडे जी तो आपका कोई लेटेस्ट गाना कुछ आ रहा है कोई चलिए कमरिया चलेगी आप लोग जरूर देखिएगा यूट्यूब पे जैसे ही रिलीज होता है गाना तो दोस्तों हम जंगल के अंदर आ चुके हैं और SSB की तरफ से हमें बताया भी गया है कि यहाँ पर 5 किलोमीटर के बाद अगर आप ज्यादा अंदर जाते हैं तो वहाँ पर तेंदुए का खतरा हो सकता है क्योंकि वो तेंदुआ जो पकड़ा गया था वो यहीं पर छोड़ा गया है और यहाँ पर हम रास्ता भटक चुके हैं देख रहे हैं हमारे सैनिक हमारे जवान सब तैनात बिल्कुल और हमारे गाइड साहब गए हैं आगे पता करने के लिए कि तेंदुआ किधर है तेंदुए से आज मुलाकात होगी आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और ये हमारे सहायक प्रबंधक अजय कुमार पांडे लाइव पुणे से तेंदुए को देखने के लिए ही आए हैं उसके स्वास्थ्य का खबर लेने के लिए कि कोरोना काल में क्या उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी आई है और आप देख सकते हैं नज़ारा बस कुछ ही पल बाकी हैं तेंदुए का तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे आप और ये हमारे ड्राइवर और उप निरीक्षक बद्रीस कुमार शुक्ला तो शुक्ला जी जैसा कि बताया गया है कि तेंदुआ इस समय काफी खूंखार स्थिति में हो चुका है तो आपको क्या लगता है कि आपके ये जो 6-7 जवान हैं ये उससे निपटने की बिल्कुल हमारे पास क्षमता रखते हैं और हमारे गाइड सर आ चुके हैं देखते हैं क्या क्या समाचार लेकर आए हैं ये 25 फीट की दूरी पे है जी आपका 25 फीट तो यही पूरा हो गया यार 25 फीट तो आगे जाना खतरे से खाली नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी केवल हम अपने व्यूवर्स के लिए ये खतरा उठाने के लिए तैयार हैं और हम अपनी जान से खेल रहे हैं तो आप प्लीज शेयर और कमेंट जारी रखें और चलिए ये चली हमारी टोली और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी पथरीला रास्ता है काफ़ी ख़तरनाक इस पर गाड़ी चलाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी हमारे जवान 500 सीसी की मोटरसाइकिल लेकर आए हैं वो किसी भी पहाड़ पे चढ़ने के लिए सारी मोटरसाइकिलें तत्पर हैं आप
देख सकते हैं नज़ारा काफ़ी हयावा है। दोस्तों आप लोग कैमरे में देखते रहिए, हो सकता है हमें तेंदुआ ना दिखे, आपको दिख जाए। गाइस एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर इतने छुपने की जगह है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कहाँ से तेंदुआ निकल जाए। तो आप बस ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और पानी भी है क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो हो सकता है तेंदुआ पानी पीने भी आए, तो हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। हम साथ में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बाकी आगे चलते हैं हम लोग, हमें हॉर्न बजाने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, इसलिए हम लोग गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको दो दो तीन तीन किलोमीटर तक कोई भी आदमी नहीं दिखेगा सिवाय हमारे। देख रही है दोस्तों, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और जंगल आप देख ही पा रहे हैं, काफ़ी खतरनाक जगह। गलत दिख गया थी, तो क्या करेंगे जो तेंदुआ वैसे हमला नहीं करता है, लेकिन अब जब करेगा तब फिर हम भी हमला करेंगे। और तो ये कौन से जंगल में है हम लोग? बघेलखंड जंगल में है हम लोग, जो कि तुलसीपुर में है, बलरामपुर ज़िले में। चलो चित्रोग्राफी करते हैं। तेंदुआ पता है तुम्हें, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला है जीता हो तेंदुआ। ये 125 सीसी की बाइक से तो तुम भाग नहीं पाओगे। वहाँ पर एक प्राचीन मूर्ति दिख रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। घर से निकाल लेते हैं तुम्हें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रास्ता नहीं है, रास्ते आपको खुद बनाने पड़ते हैं। और ये प्राचीनतम मूर्ति आप देख सकते हैं, इस तेंदुए की मूर्ति है, इससे आगे नहीं जाना। गाइस हम लोग यहाँ पर एक बीच में रुके हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको एक पत्थर दिखाता हूँ। ये देखिए जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये बाउंड्री है, इसके आगे जाना है तो एसएसबी वाले आपको एसएसबी वाले कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसके आगे तेंदुए का खतरा 100% हो जाता है, इससे पहले 10% था। तो आप दोस्तों क्या कहते हो, आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वाइड एंगल से खींच रहे हैं ना, ये हरा पत्ता आपको कैसे दिखाया जाएगा देखिए, चालू छू काली गलगत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। साफ हिंदुस्तान में ठहरा लिया था। दोस्तों आप देख सकते हैं हम दोबारा जंगल की तरफ बढ़ चुके हैं, रास्ते आप देख सकते हैं, और ये रास्ते आप देख सकते हैं, ये जो खतरनाक रास्ता है, यहाँ से निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी देख सकते हैं आप कैसा रास्ता है, यहाँ के निवासी लकड़ियाँ काट कर लेकर जाते हुए। खतरनाक जंगल, और ये हमारे सिपाही खड़े हैं। क्या है, यूं चेकिंग होती है? हाँ
दोस्तों आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है, ये क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ पर तो चित्रोग्राफी है, चित्रोग्राफी कर लो। वाह, ये पानी आप देख सकते हैं और ये सीन है। ये रोको यार, यहाँ रोको भी। और आप सभी लोग देख सकते हैं पहाड़ जैसी चढ़ाई है, उसके बाद भी मैस्ट्रो। और अगला राइडर है हमारा, पहला राइडर फंस गया। जाओ छोटू, जाओ छोटू, छोटू धक्का दो, ए छोटू, ए विशाल, सुनते हैं। और अगला राइडर है हमारा सौरभ, और सुपर स्प्लेंडर देखना है, सुपर स्प्लेंडर चढ़ाई कर पाती है या नहीं। पहले गियर में चढ़ाया है, और इसी के साथ दूसरा राइडर भी मेल आप देखते हैं। तीसरा राइडर हमारा सौरभ अपनी होंडा साइन के साथ तैयार, और चौथा है हमारा विक्रांत, देखना कौन से गियर में चढ़ाते हैं। हाँ बंद है ये, तुम जाओ तो। और सौरभ होंडा साइन की पावर देखने लायक है पहली ही अटेम्प्ट में। और अब हमारा आखिरी राइडर विक्रांत के साथ, और पहली ही अटेम्प्ट में पूरी चढ़ाई पूरी कर दी है। क्या नज़ारा है दोस्तों ये देखने वाला, और साइकिल सवार भी यहाँ पर चढ़ाई पूरी करते हुए अपनी कुल्हाड़ी के साथ, देख सकते हैं आप ये खतरनाक कुल्हाड़ी। और ये हमारे राइडर जो फेल हो चुके थे। घना जंगल दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता हुआ। अरे बहुत सही, इसका कटी हुई स्कूटी दोस्तों आप देख सकते हैं, स्कूटी स्किड कर गई है। उसके बाद ये अगला राइडर, और ये आखिरी राइडर हमारा, एक सवारी उतर चुकी है। खतरनाक रास्ता है यहाँ पर, साइकिल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, मोटरसाइकिल वालों को बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर बाइक चेंज कर ली है, लेकिन ये राइडर ही हमारा बेकार है, न्यूट्रल करो। भी बना हुआ है दोस्तों, हमारे राइडर्स आगे निकल चुके हैं, देख सकते हैं आपको बाइक लेकर आगे क्या कर रहे थे, गियर चेंज करो। ये
ये अंधेरा जंगल आते हैं। अबे ये तो फिल्म का सीट, अबे ये तो फिल्म हो, फिल्म की तरह है जान उसके रास्ते। भैया शांत रहो, खौफ आप, आपको खौफ देखना है तो इस चेहरे पे देख सकते हैं क्या खौफ है, बहुत ज्यादा डर है। और ये आप देख सक रहे, देख रहे हैं ये लोग हथियार नहीं लेकर आए हैं, डंडा लिया है ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें। ये देख सकते हैं सारे सैनिक इस समय हथियार हथियार के साथ रेडी हैं बिल्कुल, और ये हथियार देख सकते हैं। और चलिए हम रिकॉर्डिंग ऑन ही रखेंगे व्यूवर्स के लिए। एक हेलमेट कोई पकड़ो यार, दो लगा लो ना, चाहे कोई नहीं दो अभी उसमें टांगो उसको बंद कर। और दोस्तों हमारे सारे दोस्त निकल चुके हैं, हम लोग सबसे पीछे हैं। और डर वाली बात तो है ही, ये जंगल आप देख सकते हैं सुनसान, यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है। इसे आगे बढ़ते हुए ऑलरेडी 6:30 बज चुका है, और ऐसा बोला जाता है कि 5 बजे के बाद इस जंगल में जाना अपनी जान से हाथ धोने के बराबर है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी धूप डाउन होता है तो जंगली जानवर बाहर निकलना शुरू होते हैं, और वो अक्सर इन्हीं रास्तों पे आते हैं क्योंकि उन्हें यहीं पर ही जैसे बकरी वगैरह हो गया या इंसान हो गया खाने के लिए मिलते हैं। नहीं, इंसानों पे हमला हुआ, कितनी बार हुआ, कितनी घटनाएं हुई हैं, अब जो के हैं वो हमें रिपोर्टिंग हुई है, बाकी तो जो मर गए वो मर गए, बाकी आप बंदरों की बात करेंगे तो रास्ते। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो रास्ता है वो पूरा कीचड़ वाला है, और जब बारिश होती है तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती क्योंकि चारों तरफ से पानी बहता है, और आपने पीछे वीडियो में देखा होगा किस तरह हमारी बाइक बड़ी मुश्किल से इन छोटी छोटी ऊंचाइयों पे भी नहीं चढ़ पा रही थी, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पर कुछ रुक गए हैं ये लोग, आगे कोई दिक्कत है? हाँ ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा है प्रूफ के लिए। गाइस देख रहे हो इन लोगों ने मुझे सतर्क कर दिया है कि मतलब हमें साथ में रहना, और आप देख सकते हैं सबके पास डंडे हैं, तो वाकई में थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा है। हमारे पास भी डंडा है, डंडा देख सकते हैं आप, कलम्बा डंडा है फिलहाल, क्योंकि जंगली जानवर का क्या है वो बाइक की आवाज़ सुनकर हमारे पास आ सकते हैं। और ये हमारे जो को ड्राइवर वो मुझे डरवा रहे हैं कि तुम बाइक के बीच में रहो, नहीं तुम चारों तरफ देखते रहो ना ताकि कोई आए ना, क्योंकि कोई अचानक से तो आएगा नहीं। गाइस वैसे बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन सच बताएं तो डर भी लग रहा है, तो आप अगर कभी भी आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, थोड़ा सा थ्रिल थ्रिल का भी मज़ा आएगा, और किसी भी मौके पर कुछ भी हो सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये। और जैसे जैसे एक एक मिनट कम हो रहा है, सूर्य बिल्कुल अस्त हो रहा है, यहाँ तो घोर अंधेरा हो जाएगा। और सबसे सफेद बात यह है कि हमें साथ रहना है, अगर कोई भी बाइक आगे पीछे हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। और यही नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान रखाए तो नीचे इतना कीचड़ है आपकी बाइक बिल्कुल स्किड करके आप सीधे नाले में जाएंगे, और पसीने से तो ऑलरेडी हम नहा चुके हैं, तो यहाँ का जो गंदा पानी है नाले का उससे भी नहा लेंगे। आप गाइस साइड में देखिए ना है बिल्कुल, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कौन नहा बैठा होगा यहाँ। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि बारिश नहीं हुई है तो रास्ता हमें थोड़ा सा सूखा मिला हुआ है, अगर बारिश हो रही होती तो रास्ता ये इतना कीचड़ होता है यहाँ पर बाइक तो आप चला ही नहीं सकते। बिल्कुल शांत है यहाँ पर, तो जो कीट पतंगों की आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं, खाली हमारी बाइक की आवाज़ है बस। और कैसे भी करके हमें डैम तक पहुंचना है, डैम का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, उस डैम तक पहुंचेंगे तभी हमें हाईवे मिलेगा। नहीं वो तो जंगल था, ये डैम कुछ दूसरा डैम है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रात हो गई जंगल में।
अरे 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 खड़े हो जाओ, उतर के खड़े हो जाओ, हाँ उतर के खड़े हो जाओ। आप देख सकते हैं छोटी सी दुर्घटना होते होते बच्चे चप्पल उनका फंस गया है, चप्पल निकाल के इसी वजह से बोला जाता है जब जंगल में आप जाएं तो पूरे इंतजाम के साथ जाएं। हालांकि हमारे किसी भी सैनिक को कोई क्षति नहीं पहुंची है, सभी सुरक्षित। ये फेंक दो पतला वाला, ये जो बीच में है उसको रहने दो, जो पीछे है उसको। और ये सलाह देते हुए हमारे प्रबंधक जी, मैं एक्चुअली जंगल एक्सपर्ट हूँ, एक साल का डिप्लोमा है मेरा। ये देखिए थोड़ा सा हम लोग को रोशनी मिली है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग घने जंगल से बाहर आए हैं। अरे सर डंडा तो दिखाइए। ये देखिए सभी लोग अपनी सुरक्षा में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हुए डंडा ऊपर गया। नहीं तो यार डंडा मैंने पकड़ा, गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, मैंने पैर से दबा दिया डंडा। घना जंगल दोस्तों आप देख सकते हैं, इतने घने जंगल में आप, इतने घने जंगल में आप कभी आए नहीं होंगे, कितना घना जंगल है आप देख सकते हैं। कि कभी भी किसी वक्त तेंदुआ आपके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 तेंदुए जो कि काउंटेड नहीं है, छोड़े गए हैं। जैसा कि हमारे मित्र आपको बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 तेंदुए छोड़े गए हैं जो कि गवर्नमेंट की काउंटिंग में नहीं है। तो यहाँ पर वो जो डर है जो वो बना हुआ है सभी के जहन में, क्योंकि लास्ट जो तेंदुआ छोड़ा गया था वो शहरी इलाकों से पकड़ के यहीं पे लाया गया था, वो पिछले महीने छोड़ा गया है। और ये देखिए कितनी सारी तितलियां आप देख सकते हैं, कितनी सारी तितलियां। ये तितलियां आप देख सकते मजा आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की वाकई में हालत खराब है। डर लग रहा है कि वो किस तरह से ऐसी जंगल से बाहर निकलें और सड़क पे आ जाएं। मेरे जो आगे 3-4 दोस्त जा रहे थे, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि शाम हो गई है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बट मैंने इनको जिद किया कि अरे अब आए हैं तो चल लेते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। और देखते हैं आगे का रास्ता कितना लंबा है, कब हम बाहर निकलेंगे यहाँ से। ये जंगल जो है आपको लंबा जंगल है, बट चूँकि हमारे पास यहाँ लोकल एक व्यक्ति है, मेरा दोस्त है, उसको सारा रास्ता पता है, दिक्कत नहीं होने वाली। अरे लकड़ी फंस रही है। और यहाँ पे देखो कटीली जंग, कटीली बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो आपके आंखों में लग सकता है वो। और ये नज़ारा दोस्तों, इसी नज़ारे के लिए तो हम इंतजार कर रहे थे, इसी नज़ारे के लिए हम इतनी दूर चलकर आए। और देख सकते हैं आप ये नज़ारा, और ये देख सकते हैं दोनों तरफ कांटे ही कांटे हैं, तो बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा। ना आंखों में या हाथों में हमें ये भी नहीं पता कि आगे का रास्ता कैसा है, कि बाइक निकल सकती है नहीं, बस हम लोग चले जा रहे हैं। और देखिए आगे शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हमारी गाड़ी रुक गई है। ए अजय, अजय तू इनका पीछे से मारे रहो, अरे इनकी गाड़ी अच्छा मारे रहो, मेरी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, मैं बंद कर दूंगा। नहीं नहीं हम कैसे आए बे?
इसके ऊपर पैर। रुको रुको मैं उतरूं, रुको। रुको उतर जाऊं। उतर के चलो करो कितना टाइम। सही से रिकॉर्डिंग हो रही है ना? इतना कर पा रहा हूँ कि एक वो एक एक भी पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। आराम से बीच में से, हाँ उसी में से निकल। रुको पे उठाना पड़े, रुको रुको रुको। बैग भी तुम्हारे लोग थोड़ा सफर आपको मिला है। चलो आगे चलो। गाइस जूता देख सकते हो क्या हालत हो गई है इसकी। इस जूते के कारण मैं कीचड़ से सड़ने से बचाऊं। खैर आगे भी जाके इसको धुलेंगे। आगे चलो आगे।
लग गया ये लगा साला। एक तरफ पूरा जंगल जंगल है जहाँ पर जानवर जानवर, और दूसरी तरफ यहाँ पर पानी है। अब पानी में पानी वाले जानवर है। बस्ती लखनऊ के आसपास रहते हैं और चिल आउट करना चाहते हैं, थोड़ा एडवेंचरस, थोड़ा मज़े के लिए, थोड़ा थ्रिल वाला मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस जंगल में आइए। हाँ, एक सजेशन दूंगा कि बाइक थोड़ी अच्छी हो और थोड़ा सुबह आइए ताकि शाम तक आप वापसी हो जाए, क्योंकि रात में वाकई में यहाँ खतरा है और रास्ते इतने ख़राब हैं कि आप रात में ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी हम लोग को शाम हो गई है, बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हाईवे तक पहुँचे। लेकिन कुछ भी होगा, इसका रक्षा हो शायद आगे तक डंडे को हम यहीं फेंकते हुए, क्योंकि अब खतरा चल चुका है, डंडे को आपके सामने यहीं पर फेंक दे रहे हैं। ये खनी वाली आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्चुअली में जंगल दोस्त है। एक तरफ है जंगल और दूसरी तरफ है ये डैम पानियों से लबालब भरा हुआ। तो दोस्तों, इतनी मशक्कत के बाद अभी हम लोग वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। जंगल का रास्ता ख़त्म हुआ, अभी हम ऑन रोड आ चुके हैं। दोस्तों, क्या रास्ता था वो कीचड़ का, और ये सामने आप देख सकते हैं हाईवे है, और बाकी इस पर गाड़ी चलाने में कीचड़ में चलाने में बहुत फर्क है। तो रास्ता मतलब जो जर्नी थी काफ़ी अच्छी थी। एक दो चीज़ें हैं जो हम लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि शाम हो गई और जंगल का रास्ता है, तो हमें जाना ज़रूरी है वापस। किसी दिन फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बहुत मजा आया, आप लोग एक बार जरूर आइए, अगर आइएगा, आइए तो ग्रुप में आइए, तभी मजा आएगा। वीडियो में इतना ही। आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंड्स लोग आगे जो तीन मोटरसाइकिल से आ रही है उसी पे सवार हैं। चलिए उनसे भी बातचीत कराते हैं आपकी। पूछते हैं तो अजय पांडे जी, आपको मजा आया इस सफर का, मौज उठाया आपने। आप देख सकते हैं यूपी निकाली, यूपी 47 सभी मौज करके इस समय थक हार चुके हैं, काफी थकान। कपड़े की हालत आप देख ही रहे हैं दोस्तों, क्योंकि काफी कीचड़ था जंगल में, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन पहले। और ये नजारा यहाँ का पावर हाउस,
आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी, एक बार समय निकाल कर आप भी अपने दोस्तों के साथ आकर यहाँ का लुत्फ जरूर उठाएँ। लुत्फ। ओके गाइस,